Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं. तो आज का व्लॉग है शॉपिंग हॉल. तो मैं अब रिसेंटली आइकिया गई थी और वेंकटेश्वरा गारमेंट्स. तो दोनों जगह की जगह मैंने शॉपिंग हॉल एक ही बना रही हूँ मैं. तो वेंकटेश्वरा गारमेंट्स कमनहल्ली में जो गई थी और आइकिया जो नागासंद्रा बैंगलोर में जो है वो गई थी. तो ये दोनों जगह के शॉपिंग हॉल मैं एक ही बना रही हूँ. तो क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े ही चीज़ें लिए हैं तो मैं ज़्यादा ये नहीं करने मांगती हूँ. तो एक ही ब्लॉग बनाऊँगी और आप देख सकते हैं पीछे मेरे वॉल पे दैट इज़ नियॉन साइन बोर्ड. तो ये मैंने ऑर्डर दे के बनवाया है, आप देख सकते हो. इसमें फिज़ा शेख व्लॉग्स है और यूट्यूब का एक लोगो भी है. मैं आपको बता दूंगी वो भी एंड ऑफ द वीडियो, एक ग्लिम्स बता दूंगी उस साइन बोर्ड का भी. और आप ऑर्डर भी दे सकते हो. और जिससे मैंने बनवाया है ये साइन बोर्ड, नियॉन साइन बोर्ड, उस इंसान का, उस शॉप का नंबर मैं दे दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. और एंड ऑफ द वीडियो मैं वो बोर्ड नज़दीक से बता दूंगी. तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का शॉपिंग हॉल आइकिया का. तो फर्स्ट आप ये डब्बा देख सकते हैं, ये कंटेनर स्टोरेज बॉक्स. तो ये स्टोरेज बॉक्स मैंने आइकिया से लिया है. इस पे ये स्टोरेज बॉक्स और ये लिड, लिड आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है गाइज, लिड आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है. आपको प्राइजेस के साथ मैं बताऊंगी आज. तो ये बॉक्स मैंने स्टोरेज बॉक्स लिया था, बहुत ही बड़ा है गाइज और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है. तो ये आता है आपको व्हील्स के साथ, चारों तरफ व्हील्स हैं इसके, ऑल फोर साइड्स व्हील्स हैं. और मैंने पिंक कलर में लिया था, काफ़ी सारे कलर्स थे वहाँ पे, बट मुझे पिंक पसंद था तो मैंने पिंक ले लिया. तो इसका प्राइस अराउंड 260 ऐसा कुछ है. आपको मैं प्राइस इस पे टैग आप देख सकते हो आइकिया का, तो अकॉर्डिंग टू मी 269 ही था होगा. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट. ऐसे मैंने दो डब्बे लिए गाइस, दो डब्बे लिए और दोनों डब्बों के साथ मैंने उसका लिड लिया. लिड आपको सेपरेटली ये करना पड़ता है परचेस. मैंने दो लिड्स लिए, एक लिड 80 रुपीज़ का था तो मैंने दो लिड लिए तो 160 हो गया. तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे. दूसरा प्रोडक्ट मैंने ये स्टिकेबल हैंगर्स लिए हैं, वॉल पे स्टिक करने के हैंगर का जो हुक आता है वो लिए मैंने. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेटल का है ये. और मुझे चीज़ खोलना है तो मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ. तो चलिए अनबॉक्स करते हैं. ये चार का कुछ, ये चार इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये चार वॉल हुक हैंगर वॉल हुक का है 559. तो देखिए आप देख सकते हो 559 चार हुक्स का. तो ये आप ऑनलाइन भी आप आइकिया से मंगवा सकते हो, बट मैंने ऑफलाइन स्टोर पे गई थी तो मैंने देखा था तो मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया. चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको. मैंने येलो वाला निकाला है और इसका जो है ये ऐसे है, इसको ऐसे प्लास्टिक को ऐसा निकाल कर इसको, ये सक्शन वॉल हैंगिंग है. तो एक बार आप लगा देते हो ये तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो. इसमें कुछ पेंट, आपका वॉल पेंट नहीं निकलेगा एंड अच्छा है ये गाइस. इसमें मुझे चार कलर्स आए हैं, ब्लू, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ब्लू एंड ब्लैक एंड पिंक. तो ये चार कलर्स हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ये गाइस सॉरी, ये मेटल का नहीं, ये प्लास्टिक का है. तो मैं अभी खोल कर देखी तो मुझे पता चला कि ये प्लास्टिक का है. प्लास्टिक मेटल दोनों, आप इसको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बट
प्लास्टिक मेटल दोनों मिक्स है शायद। ओके तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके चार के प्राइजेस है 559। चलिए चलते हैं दूसरे। तो गाइज जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने ज़्यादा कुछ शॉप नहीं किया था आइकिया से, क्योंकि बहुत सारा रश था। मैंने वीकेंड पे जाके व्लॉग बनाया था तो मुझे बहुत थकान हो गई थी, बहुत टायरिंग था, तो मैंने सिर्फ थोड़े ही लिए। चलिए चलते नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र बास्केट लिया है, स्टोरेज बास्केट। ये आप देख सकते हो, ये मुझे पड़ा अराउंड 219 ईच। तो मैंने ऐसे चार लिए हैं स्टोरेज के लिए ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस। देखिए एक पिंक लिए, दो पिंक लिए, दो ब्लैक लिए हैं। आप देख सकते हो दो पिंक दो ब्लैक लिए हैं और दो पिंक एंड वाइट लिए। ईच का प्राइस है 219। ईच का प्राइस है 219। तो मैंने टोटल चार लिए। चलिए चलते नेक्स्ट प्रोडक्ट। देखिए अभी चलते नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट ये मैंने ब्रश लिया है, ये मैंने ब्रश लिया है। तो ये ब्रश है, दिस इज डिश वॉशर ब्रश, बट आप सिंक क्लीनर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ब्रश सक्शन आया है नीचे। दिस इज़ अराउंड 99 रुपीज़ गाइस। इट्स नाइस, यूजफुल फॉर योर किचन पर्पस। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। मैंने ये तीन स्टोरेज कंटेनर लिया है, छोटे हैं, टब स्टाइल है, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो विथ लिड है ये, तो तीन स्टोरेज कंटेनर विथ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है गाइस ये। आई आप देख सकते हो मैंने लिड खोला है और मैं बॉक्स भी बताती हूँ। अभी ऐसे होता है, इसको जॉइंट करना होता है ऐसे, टब स्टाइल, बड़ा ही प्यारा है। देखिए टब स्टाइल बहुत ही प्यारा है गाइस। स्टोरेज कुछ भी आप कैसे, जैसे कि मेडिसिन हो, एनीथिंग यू कैन। तो ऐसे मुझे थ्री आए, थ्री बॉक्स एंड थ्री लिड्स आपको जॉइन करना होता है। तो ये मुझे कुछ पड़ा 209 गाइस, 209 रुपीस पड़ा है मुझे ये। चलिए चलते नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये मुझे बहुत प्यारा लगा मार्केट हॉल में। तो ये जब डिस्प्ले हुआ गया था इस ग्रैनिटी रेन, तो ये है स्टोरेज बॉक्स, मतलब स्टोरेज बॉक्सेस, आई मीन स्टोरेज बाउल्स, तो किचन बाउल्स। तो मुझे अच्छा लगा ये। तो ये अराउंड आया है आपको MRP 839, पर मुझे 599 पड़ा। इसमें 5 बॉक्सेस हैं डिफरेंट साइजेस के, बाउल्स है, सॉरी 5 बाउल्स हैं, 5 बाउल्स हैं। मैं आपको खोल के बताती हूँ, चलिए इसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए मैंने इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। तो गाइस ये सच्ची में सही में ये जो आप रखते हो स्टैकेबल है, तो स्टैकेबल है ये वाले, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सबसे बड़ा बाउल है, सबसे बड़ा बाउल है। देखते हैं नेक्स्ट, ये सेकेंड साइज का बाउल है, सेकेंड साइज का बाउल है और उसका लिड है ये। थर्ड साइज का बाउल है, थर्ड साइज का लिड है। फोर्थ साइज का बाउल है, फोर्थ साइज का लिड। फिफ्थ बाउल,
फिफ्थ लिड। तो गाइस आप देख सकते हो उधर, देखिए बड़ी प्यारे बॉक्सेस हैं, बड़े ही प्यारे बॉक्सेस सारे के सारे, एंड इट्स वेरी नाइस क्वालिटी, बहुत ही प्यारा क्वालिटी और अच्छा क्वालिटी। तो ये रहा मेरा आइकिया का शॉपिंग हॉल। तो आइकिया का शॉपिंग हॉल यहीं मैं एंड करती हूँ। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट हॉल में, दैट इज़ श्री वेंकटेश्वरा गारमेंट्स का हॉल। तो चलिए अब वो दिखाते हैं। गाइस अभी मैं बताऊंगी आपको श्री वेंकटेश्वरा गारमेंट्स का शॉपिंग हॉल। तो ये रहा पहला प्रोडक्ट, ये रहा पहला टी शर्ट। ये मैंने टी शर्ट लिया है, बहुत ही मेरे साइज, बहुत ही अच्छा रीजनेबल प्राइस का था, अच्छा प्रिंट था इसका, तो मैंने ये ले लिया। अच्छे बड़े साइजेस भी मिलते हैं आपको। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टी शर्ट, और जो मैंने अभी पहना है ये वाला पुलोवर, ये भी मैंने वहीं से लिया और बहुत रीजनेबल प्राइस थे, ऐसे डेली वेयर के लिए अच्छे रहते हैं। ये रहा मेरा सेकंड टी शर्ट, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, वेरी नाइस फैब्रिक। चलिए चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट। ये मैंने ये लिया है ट्राउज़र। तो ट्राउज़र मतलब ट्रैक पैंट जैसा लिया है मैंने, वेलवेट का है, ऐसे वेलवेट जो नाइट सूट आते हैं वैसे टाइप का है ये। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सॉफ्ट फैब्रिक्स। तो ये वाला फैब्रिक का मैंने ये लिया। जब मैं पहनूंगी, जब मैं मेंशन करूंगी वीडियो में, तब आप देख सकते हैं। तो ये वाला मैंने टी शर्ट लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला कलर। तो ये वाला टी शर्ट लिया मैंने, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, प्रिंटेक्स जैसा फैब्रिक है, बहुत अच्छा लगा। और सेकंड है ऑर्किक पुलोवर, ये वाला पुलोवर बहुत ही प्यारा पुलोवर है, कलर इसका बहुत प्यारा है। आई डोंट नो वेदर वीडियो में प्रॉपर कलर आ रहा है या नहीं, बट अच्छा है। अभी तो मानसून का सीज़न है और बहुत ठंडी भी है, तो वैसे सब अच्छे लगते हैं। तो और मैंने ये वाला लिया, ये टाई एंड डाई का जो है, टाई एंड डाई का, मुझे टाई एंड डाई बहुत पसंद है गाइस, बिकॉज आजकल बहुत इन है और अच्छा फैशनेबल भी दिखता है। तो मैंने ये ऑर्किक पजामा लिया, मैंने टाई एंड डाई का। आप जाकर वहाँ पे स्टोर में श्री वेंकटेश्वरा गारमेंट्स आप चेक भी कर सकते हो। ऑर्किक पजामा लिया मैंने, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी हैं, ये वाला मैंने लिया। अच्छे वाले मिलते हैं वहाँ पे, तो ये ले लिया मैंने। और एक लास्ट टॉप मैंने लिया, वो है फ्रॉक स्टाइल का, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, क्यूट सा। देखिए ये टॉप मैंने लिया, जीन्स वगैरह पे आप टीम अप कर सकते हो। तो गाइज ये रहा मेरा लास्ट प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में मैं यहीं पर एंड करती हूँ ये वाला ब्लॉग। तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने शॉप की हैं ये अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मैं आपको ये नेम प्लेट दिखाती हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि मैं एंड ऑफ द वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। तो हाय गाइस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम फिज़ा शेख व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि मैं ये टीवी के बाजू जो है, मेरे टीवी के बाजू मैं लगा लूं। तो ये मैंने ऑर्डर देके बनवाया है। तो आप भी, ये इनका शॉप आया तनी संद्रा में नियर रीगल हॉस्पिटल। तो
आप लोग। तो गाइस मैं नियॉन साइन बोर्ड के जो शॉप है का जो शॉप है उनके नाम है फेरोज आलम। तो उनका नंबर और शॉप नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आपको कन्वीनियंट होगा आपके रूम्स के लिए बनाना हो तो। प्राइजेस आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, बहुत रीजनेबल प्राइजेस है इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम अदर थिंग। तो ये वाला व्लॉग मैं आज ही एंड करती हूँ। तो ये वाला शॉपिंग हॉल था आइकिया का, वेंकटेश्वरा गार्मेंट्स का। तो होप आपको पसंद आया होगा। तो मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, टायरिंग था आज। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़रूरत है गाइस। आई वांट अ कपल ऑफ सब्सक्राइबर्स ताकि मेरे वीडियोस वगैरह वो और फॉलो करें और अच्छे इंफॉर्मेटिव्स वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी, व्लॉग्स लाती रहूंगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाऊंगी, जगह दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी ये मेरा बर्थडे भी मंथ है तो सोचते हैं कि बर्थडे को क्या करते हैं। वैसे भी घर में बोर ही होती रहती हूँ तो चलिए चलते हैं। बर्थडे को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आइडियाज़ दीजिए कि मैं अपने ये वाले बर्थडे को क्या स्पेशल कर सकती हूँ। तो आइडियाज़ ज़रूर देना क्योंकि दिमाग में कुछ आइडिया आ नहीं रहा है। तो इतने सारे जगह हो गए हैं बैंगलोर में कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह जाएं, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, खालाओं के साथ। तो आप लोग अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छी सी जगह हो तो बता देना कमेंट सेशन में। और मैं ये नियॉन साइन बोर्ड का कांटेक्ट नंबर और शॉप नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो चलिए गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फिज़ा शेख व्लॉग्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट। तो चलिए चलते हैं, मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।